दोस्तों, टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल एवं हाई स्कूल सेकेंडरी अध्यापकों की जो काउंसलिंग चल रही है उसकी डेट आ चुकी है। दोस्तों, हम बारी बारी से इनका पूरा एक एक के बारे में बताएंगे, कब कब होने वाले हैं ये काउंसलिंग। माध्यमिक शिक्षकों के बारे में भी बताएंगे और यहाँ प्राथमिक शिक्षकों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक के बारे में पूरे पहले ये थोड़ा हम डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग चल रही है की डेट आ चुकी है। यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर दोस्तों जो काउंसलिंग की डेट आई हुई है, तो सबसे पहले हम उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो आप DPI। तो यहाँ पर देखो, ये जो शेड्यूल है, ये देखो आपके लिए जो टाइम डेट है, अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर EWS की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को चिन्हित हेतु पंजीकृत सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। ये जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ये जो डेट दी है, 17 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 तक काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्तियों के आधार पर प्राथमिक चयन प्रतिरक्षा सूची को अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षा चयन सूची जो अपलोड की जानी है विभाग के द्वारा, ये 20 फरवरी 2020 को कर दी जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें प्राविधिक चयन प्रतिरक्षा अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज को अपलोड करना, शाला का विकल्प चयन करना। ये आप लोग जब अपने दस्तावेजों को अपलोड करने की जो तिथि आई हुई है यहाँ 25 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 तक, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन होगा आपका अप्रैल 2020 में। सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची प्रतिरक्षा के लिए जो डेट होगी यहाँ पर मई 2020 में निकाली जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हुई माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो शेड्यूल जारी किया था विभाग द्वारा, ये उनकी काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण डेट है थी। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्या डिटेल है। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों के लिए मैंने बताया है दोस्तों, यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए डेट, तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर न्यूज आई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर डेट आई हुई है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर जो शेड्यूल हुआ है यहाँ पर ये देख लीजिए, अनारक्षित वर्ग में कमजोर EWS की श्रेणी आने वाले आवेदकों को चिन्हित हेतु पंजीकृत सिर्फ अनारक्षित वर्गों के लिए जो डेट है 22 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक यहाँ पर काउंसलिंग होगी। रिक्तियों के आधार पर प्राथमिक चयन प्रतिरक्षा सूची को अपलोड करना है, 29 फरवरी 2020 तक अपलोड किया जाना है। प्राथमिक चयन प्रतिरक्षा अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करने की जो यहाँ पर डेट है 5 मार्च 2020 से 25 मार्च 2020 तक। जिले स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन होना है, तो वो अप्रैल में होना है 2020 में। सत्यापन उपरांत अंतिम सूची प्रतिरक्षा सूची यहाँ मई 2020 डेट दी गई है। दोस्तों, ये जो डेट दी गई है माध्यमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग के लिए जो डेट है वो मांगी गई है, वो दी गई है दोस्तों विभाग की तरफ से। अब बात कर दीजिए प्राथमिक शिक्षकों के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर माध्यमिक उच्च और प्राथमिक, तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं यहाँ पर तीनों के बारे में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब हम प्राथमिक शिक्षकों के बारे में थोड़ा डिटेल से भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो दोस्तों इसकी कोई डेट अभी यहाँ पर तय नहीं हुई है, केवल और केवल ये जो डेट हुई है यहाँ पर जो डेट फिक्स हुई है, केवल और केवल प्राथमिक शिक्षकों की डेट कोई फिक्स नहीं हुई है, माध्यमिक शिक्षकों की और यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की यहाँ पर डेट फिक्स हो चुकी है दोस्तों काउंसलिंगों की। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी नई डेट आती है माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम जल्दी एक नया नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है हम आपको अवगत कराए देंगे। दोस्तों, आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी नया वीडियो बने आप तक तुरंत अच्छे। दोस्तों, यहाँ पर तो ये काउंसिल से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना हम दिए हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।